Hello students, in this video we shall be studying structure of human eye. Eyes are located in the eye orbits, bony cases and this human eye shows presence of hollow spherical nature. Okay, hollow and spherical nature, almost 2.5 centimeter in diameter. The wall of eye shows presence of three different coats, or you can say three different layers. The outer is fibrous coat made up of two structures. One is called as sclera and other is cornea. The second is vascular coat, which is middle in position and is made up of three important structures. One is choroid, other is ciliary body, and the third is iris. And the most important layer, which is innermost in its position, is the nervous coat or nervous layer, commonly known by the name retina. Let us have a look at structure of eye and study all these parts one by one. This is a ready-made diagram and we shall be studying fibrous coat primarily. The fibrous coat shows presence of sclera. As you can see, this is the sclera part of the eye. Okay, this is sclera part of the eye. This sclera covers most of the eyeball and it is a white of eye that contains large number of collagen fibers. Okay, और इसलिए उसका काम क्या हो गया, तो वो प्रोटेक्ट करता है आईबॉल को और मेंटेन करता है उसके शेप को. प्रोटेक्ट एंड मेंटेन्स शेप ऑफ आईबॉल. एक मार्क का क्वेश्चन बैठता था अगर एग्जाम में होता था, बराबर. तो ये है स्क्लेरा पार्ट ऑफ द आई. इसको हम लोग ऐसा दिखा देते, ये स्क्लेरा है, बराबर. अनादर इंपॉर्टेंट लेयर इज द कॉर्निया, विच इज ऑफ द आउटर फाइब्रस कोट, बराबर. ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है और इंटेरियर 1/6 पार्ट को डेवलप करता है, ये बात याद रहे. अब इंटीरियर 1/6 पार्ट को डेवलप कर रहा है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, जिसे अब मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये हो गया कॉर्निया. आइडोनेशन में कॉर्निया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे, ये कॉर्निया इंपॉर्टेंट है. ये लाइट वेव्स को एडमिट करेगा और फोकस करेगा ताकि वो आई के अंदर जा सके. कॉर्निया कैसा है? कॉर्निया इज कंप्लीटली अ वैस्क्यूलर स्ट्रक्चर, उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, बराबर. ये डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. बराबर,
कॉर्निया ये पहला ऐसा ऑर्गन है जिसको सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है, क्योंकि इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता। ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, वहां एक ग्लैंड हम लोगों को मिलती है ऐसी, और इसे हम लोग टर्म देते हैं कैनाल ऑफ श्लेम। आगे एक डायग्राम में थोड़ा बड़ा रहेगा ये कैनाल ऑफ श्लेम, बराबर। वो क्या करती है, तो वो इंटीरियर चेंबर जो है एक्वस ह्यूमर, वो कंटिन्यूसली वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो एक्वस ह्यूमर को कैनाल ऑफ श्लेम जो है वो ड्रेन ऑफ करती है और फिर ब्लड में लेके जाती है। तो ये फंक्शन कैनाल ऑफ श्लेम का हुआ। जब मैं इसके वैस्क्यूलर कोट पे आता हूं, तो मुझे वैस्क्यूलर कोट में क्या मिल रहा है, तो वैस्क्यूलर कोट में मुझे सबसे पहले लेयर मिलती है कोरोइड। ये है आईज की कोरोइड लेयर, बराबर, जो स्क्लेरा के बिल्कुल नीचे है, एग्जैक्टली बिलो द स्क्लेरा हम लोगों को वो मिलेगी। और इट शोज प्रेजेंस ऑफ, ये जो कोरोइड लेयर है, इट शोज प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ब्लड वेसल, न्यूमरस ब्लड वेसल इसमें, जो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इनको सप्लाई करते रहते, स्पेशली रेटिना को जो उसका नेक्स्ट लेयर है, बराबर। ये रेटिना है, इसको शेड कर देते हैं ना ऐसा, ये येलो कलर से जो मैंने शेड किया, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, थोड़ा बाहर गया है वो, चलता है। लेकिन ये जो रेटिना है, इस रेटिना को, ये वाले पार्ट को कॉन्स्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करना इसका काम है। कोरोइड में पिगमेंटेड सेल्स भी होती है, और उन पिगमेंटेड सेल्स का एक और फंक्शन है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, बराबर, और वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये तो उसका फंक्शन है ही, बट एब्सॉर्प्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन अवॉइड करना, बराबर, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड अवॉइड्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बात पिगमेंटेड सेल्स करती है, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। जब मैं सिलियरी बॉडीज के बारे में बात करता हूं, तो सिलियरी बॉडी कैसी है, अब ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। ये है स्क्लेरा, जो आउटर पार्ट था, बराबर, इस स्क्लेरा के बिल्कुल नीचे ये जो पार्ट मिला, ये कोरोइड है, बराबर। यहां ये कंटिन्यू होकर जो आया है, ये है कॉर्निया, बराबर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैनाल ऑफ श्लेम को, जो इस एंटेरियर चेंबर के एक्वस ह्यूमर को बाहर ड्रेन ऑफ करने वाला है। वैस्क्यूलर कोट ऑफ आई का जो सेकंड पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी बॉडी, और वो कोरोइड कोट से एक्सटेंड हो रही है। देखो यहां ये कोरोइड कोट है, और वहीं से ये सिलियरी बॉडी नीचे के तरफ एक्सटेंड हो रही है। नीचे के तरफ एक्सटेंड होते वक्त उसने क्या क्या बनाया, ये देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज सिलियरी मसल एंड अदर इज कॉल्ड एज सिलियरी प्रोसेसेस। ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा सिलियरी प्रोसेसेस को रेफर करता है, और इन सिलियरी प्रोसेसेस के साथ दो टाइप की मसल्स भी मुझे मिल रही है, एक मेरिडियोनियल मसल्स है और दूसरी सर्क्यूलर सिलियरी मसल्स है। मेरिडियोनियल मसल्स जो है वो यहां है, ये पार्ट, और जो सर्क्यूलर सिलियरी मसल्स है वो यहां कैनाल ऑफ श्लेम के पास है, और उसके सराउंडिंग में जो है वो सिलियरी प्रोसेस है, बराबर। सिलियरी बॉडी को अटैच मुझे सस्पेंसरी लिगामेंट का भी पार्ट मिलता है। सस्पेंसरी लिगामेंट यहां इस पर्टिकुलर पार्ट से डेवलप होकर यहां नीचे तक आई है,
ये सारे के सारे सस्पेंसरी लिगामेंट के पार्ट है। सस्पेंसरी लिगामेंट आगे चलकर लेंस के कैप्सूल को अटैच हुई है, ये बात यहां इस पॉइंट पे हमें समझती है, बराबर। अब देखो कैप्सूल जो है वो इस लेंस के सराउंडिंग में, ये हमारे लेंस का पार्ट है, आई के लेंस का कैप्सूल, लेंस कैप्सूल, सस्पेंसरी लिगामेंट, बराबर, विद द सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी यानी मेरिडियनल मसल, सर्क्यूलर मसल, सिलियरी प्रोसेस, इन सब का मिलके एक ही फंक्शन है और वो है लेंस को पकड़ के रखना, होल्ड्स द लेंस इन इट्स प्लेस। बराबर। जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और जब आइरिस की बात करते हैं तो आइरिस के लिए हम लोग वापस से उस डायग्राम में आएंगे, बराबर। ये लेंस का पार्ट हो गया, ये पूरा लेंस है, बराबर। ये सिलियरी बॉडी है, ऊपर है और नीचे है, जिसने लेंस को पकड़ के रखा है, और इसके बिल्कुल क्लोज ये देखो, ये आइरिस का पार्ट है, यहां ये आइरिस को रिप्रेजेंट किया यहां पे, बराबर। अब यहां आइरिस की जब हम लोग बात करते हैं तो आइरिस बेसिकली है क्या, इट इज सर्क्यूलर मस्क्यूलर डायफ्राम जिसमें पिगमेंट है, सर्क्यूलर है और मस्क्यूलर है जिसमें पिगमेंट है जो आईज को कलर दे रहा है, और वो इस एक्वस चेंबर को, एंटेरियर चेंबर जो है, ये यहां पे एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले, और जो पोस्टेरियर कैविटी ऑफ आई है वहां विट्रियस ह्यूमर है, इनका क्या रोल है वो देखेंगे। एंटेरियर कैविटी रिमेन्स फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर और पोस्टेरियर कैविटी रिमेन्स फिल्ड विथ विट्रियस ह्यूमर। अब ये जो एंटेरियर चेंबर इस डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा था, ये वाला पार्ट, इसे उसने डिवाइड किया आइरिस ने दो पार्ट्स में, आइरिस उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बराबर। एक जो है वो है एंटेरियर चेंबर यानी ये वाला पार्ट, और ये उसको मिला पोस्टेरियर चेंबर। दो टाइप की मसल्स जो है आइरिस की, उन्होंने ये सेपरेशन किया है, बराबर। दो टाइप की स्मूथ मसल्स, एक सर्क्यूलर मसल्स है और दूसरी रेडियल मसल्स है। ये नीचे के तरफ जो हम लोगों को दिख रही है ये सारी की सारी सर्क्यूलर मसल्स है, और इसके ऊपर का ये जो पार्ट है वो रेडियल मसल्स का है। दोनों एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, बराबर। वो लाइट जो एंटर होता है ना आई में, उसको रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के वजह से डीम लाइट, बराबर, और सर्क्यूलर मसल जो है वो ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करती है, दोनों यानी कौन सी, तो रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस और सर्क्यूलर मसल्स ऑफ आइरिस, जिन्होंने एंटेरियर कैविटी को एंटेरियर चेंबर और पोस्टेरियर चेंबर में डिवाइड किया है। अब इसी पॉइंट पे हम लोगों को एक एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई मिल रहा है इस डायग्राम में, उसको देखते हैं, वो है कंजक्टिवा। ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बराबर, इंटरनल पार्ट को कवर कर रही है, किसके, पाल्पेब्रल सरफेस, सरफेस। अब ये पाल्पेब्रल सरफेस, ये सरफेस यानी क्या, तो आईलिड एंड आईलैश, स्पेशली आईलिड को हम लोग पाल्पेब्रल सरफेस बोल, बराबर। अब ये जो है वो कॉर्नियल एपिथेलियम के साथ कंटिन्यूएशन में है, बराबर। ये पर्टिकुलर कंजक्टिवा क्या करती है, तो प्रोटेक्ट आईबॉल एंड कीप्स इट मॉइस्ट। आईबॉल को मॉइस्ट रखने का काम ये, कीप आईबॉल मॉइस्ट, ये कंजक्टिवा का काम है। और जब इसे इन्फेक्शन होगा तो जो डिसऑर्डर डेवलप होगा या जो इन्फेक्शन डेवलप होगा, इट इज कॉल्ड एज पिंक आई,
जिसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, बराबर। जब मैं इस स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर से यानी आइरिस से आगे जाता हूं, तो आइरिस में एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोगों को यहां जो मसल्स मिल रही है, सर्कुलर मसल्स जो है वो पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन में है, और सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन में ये रेडियल मसल्स है, ये पैरासिंपेथेटिक से कंट्रोल हो रही है और ये सिंपेथेटिक से कंट्रोल हो रही है, बराबर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आईज का हमें मिलता है वो है उसका रेटिना यानी उसका नर्वस कोट। नर्वस कोट ऑफ आई जो है इट मेक्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ द आईबॉल, ऐसा हम लोग रेटिना को बोलेंगे, बराबर। न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ आईबॉल, बराबर। ये क्या दिखाता है? तो इट्स एक्सटर्नल सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोरोइड। आप देख सकते हो यहां पे उसका एक्सटर्नल सरफेस जो है वो कोरोइड के कॉन्टेक्ट में है, और उस कोरोइड में हमें पिगमेंट सेल लेयर मिली थी, बराबर। और इंटरनल सरफेस जो है वो विट्रियस ह्यूमर के कॉन्टेक्ट में है। वापस उस डायग्राम में आते हैं जहां हमने ये पार्ट देखा था। ये देखो, ये रेटिना है यहां पे इस तरीके से, और रेटिना एक्सटर्नली कोरोइड के साथ है और इंटरनली वो विट्रियस ह्यूमर को एक्सपोज हुआ है, बराबर। एक स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर, एक स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर या येलोइश एरिया जो होता है रेटिना का, एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉर्निया, ऐसा है वो, ये है वो, ये पार्ट, बराबर, जिसे हमने बोला है फोविया सेंट्रलिस इन मैक्यूला ल्यूटिया। दोनों स्ट्रक्चर एक साथ है। मैक्यूला ल्यूटिया का दूसरा नाम होता है येलो स्पॉट, वो मिडल डिप्रेशन है इन द फोविया सेंट्रलिस, बराबर। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है यह नर्व फाइबर्स के इस तरीके से है। द फोविया सेंट्रलिस इज द प्लेस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। फोविया सेंट्रलिस जो है वो प्लेस हो गया मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन का, ये है वो फोविया सेंट्रलिस, बराबर। नर्व फाइबर्स फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो आईबॉल से जब निकलेंगे तो ऑप्टिक नर्व जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आर्टरी वेन ये भी यहां ऑप्टिक डिस्क से जाती है, और उस एरिया को हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे किसी भी टाइप का कोई भी इमेज नहीं बनता रेटिना पे, वो ये है जहां से ये रेटिनल आर्टरी और वेन गए हैं और ऑप्टिक नर्व भी गई है। जिस पॉइंट पे रेटिना अपने नॉन सेंसरी पार्ट को डिमार्केट करता है सेंसरी पार्ट से, ये वाला पॉइंट, उसे हमने बोला है ओरा सिर्रेटा, बराबर, जिसको बोला जाता है ओरा टर्मिनलिस आल्सो। तो ये सारे एसेसरी पार्ट्स हुए इस रेटिना के साथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेटिना है उसमें हमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती है कोरोइड सेल के तरफ जाते वक्त, विट्रियस ह्यूमर की तरफ जाते वक्त, बराबर। सबसे पहला जो लेयर मिला वो पिगमेंट सेल लेयर है, रेक्टेंगुलर सेल्स है, वर्टिकल सेक्शन में आप देख रहे हो उनकी विड्थ ज्यादा एज कंपेयर टू देयर हाइट, बराबर, और ये प्रोजेक्शंस बनाती है एक्सटेंडिंग इनटू नेक्स्ट लेयर, ये है उनके प्रोजेक्शंस जिन्हें हम लोग पिंक कलर से दिखा रहे हैं, ये उसके प्रोजेक्शंस है, और इन प्रोजेक्शंस के अंदर दूसरी सेल जो है वो फिट होती है, वो दूसरे सेल लेयर तक गए। नेक्स्ट जो सेल लेयर मुझे मिलती है इट इज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, बराबर। ये रॉड्स आर प्रोसेसेस ऑफ रॉड सेल एंड कोन्स आर प्रोसेसेस ऑफ कोन सेल,
ऐसे बोला जाता है कि 110 टू 125 मिलियन रॉड से और कोन से 6.3 टू 6.8 मिलियन। रॉड में होता है रोडोप्सीन, रॉड सेल जो होती है उस रॉड सेल में हमें क्या मिल रहा है, ये रॉड सेल है बराबर, इसके कंपोनेंट में क्या है, इसमें है रोडोप्सीन बराबर, समझा। और रोडोप्सीन जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज ऑप्सीन एंड अदर इज रेटिनन। बराबर, ऑप्सीन ये प्रोटीन है, उसको हम लोग स्कोटोप्सीन ऐसा भी नाम देंगे बराबर। रेटिनन जो है वो विटामिन ए का एल्डिहाइड है और उसको रेटिनॉल भी बोला जाएगा। रॉड्स जो होते हैं, ये रॉड्स क्या करेंगे, तो दे एनेबल एनिमल टू सी इन द डार्कनेस, डार्कनेस में देखने के लिए ये रॉड काम करेंगे बराबर। और इसलिए इनका नंबर नॉक्टर्नल एनिमल में ज्यादा मिलेगा, ऐसे इनके विजन को स्कोटोपिक विजन बोला जाएगा बराबर। जबकि कोन्स जो है, यहां तीन टाइप की पिगमेंट्स होती है, कोन के अंदर मुझे तीन टाइप की पिगमेंट्स मिल रही है। एक जो है वो है पॉर्पिरोसिन, दूसरी जो है वो है आयोडोप्सिन, और तीसरा जो पिगमेंट मुझे मिलता है वो है साइनोप्सिन बराबर। जो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन लाइट्स के लिए सेंसिटिविटी देता है बराबर। ये तीनों का इक्वली सेंसेशन होने के बाद ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेंगे बराबर। इस कोन में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फोटोप्सिन बराबर। जो स्कोटोपिक प्रोटीन या ये जो रोडोप्सिन है, इससे बिल्कुल अलग होता है, स्कोटोप्सिन और रोडोप्सिन से ये अलग होता है। ये हमें डे टाइम का विजन ज्यादा बेटर टाइप में रहेगा और उसे हम लोग बोलेंगे फोटोपिक विजन। इसके बाद जो लेयर मुझे मिलती है वो है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जहां पे रॉड्स एंड कोन्स जो है वो खत्म हो गए। अब इनके जो रॉड्स एंड कोन्स के एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर तक गए हुए पार्ट है, उसमें इनके न्यूक्लियस ऑफ रॉड और न्यूक्लियस ऑफ कोन मिले। यहां से आगे उनके जो प्रोसेसेस है, दे फॉर्म द सिनेप्स विद द हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन एंड द बाइपोलर न्यूरॉन बराबर। हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन के साथ वो एक्सटर्नल प्लेक्सिफॉर्म लेयर में सिनेप्स डेवलप करेंगे और इंटरनल न्यूक्लियर लेयर में सिर्फ बाइपोलर न्यूरॉन का सेल बॉडी, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन का और एमेक्राइन सेल की सेल बॉडी मिलेगी। इंटरनल प्लेक्सिफॉर्म लेयर में उन्होंने वापस से सिनेप्स डेवलप किया है गैंग्लियन के साथ। गैंग्लियन सेल्स जो होती है, वो गैंग्लियन सेल आगे बढ़कर ऑप्टिक नर्व के डेवलपमेंट के तरफ गई बराबर। इनके साथ रेटिनल ग्लियोसाइट्स भी है, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। ये ग्लियोसाइट है, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन है, एमेक्राइन सेल है बराबर। ये हम लोगों को यहाँ, या हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन है, ये सारी की सारी जो सेल्स है, ये रेटिनल ग्लियोसाइट करके कंसिडर की जाएगी, जिसमें रेटिनल ग्लियोसाइट जो है उनको स्पेशली बोला जाएगा सेल्स ऑफ मुलर बराबर। अब जब कंटेंट्स ऑफ आईबॉल की बात करेंगे, तो उसके पहले एक चीज ध्यान में रहे कि ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें पर्टिकुलर इमेज डेवलप करने में हेल्प कर रही है। यहां जब मैं वापस से आई के स्ट्रक्चर के तरफ आता हूं, तो मुझे फिर से कुछ कंपोनेंट्स जो है वो मिल रहे कंटेंट्स ऑफ आईबॉल के लिए। उसमें से एक है लेंस बराबर, और उसके साथ और दो चीजें, एक एक्वस ह्यूमर और दूसरा विट्रियस ह्यूमर, इनको ह्यूमर भी बोला जाएगा बराबर।
अब ये जो लेंस है वो किस टाइप से है? तो लेंस इज ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स. ओके, लेंस इज ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स इलास्टिक स्ट्रक्चर. बराबर, लाइट वेव्स पास थ्रू दिस पर्टिकुलर लेंस. बराबर, लाइट वेव्स जो है वो यहां से पास होते हैं. इसका कैप्सूल ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है, हमें उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. हमें एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के बारे में पढ़ना है. एक्वस ह्यूमर जो है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो एपिथेलियम जो सीलियरी प्रोसेसेस की है वो इस एक्वस ह्यूमर को बार बार सिक्रीट करते रहती है. बराबर, और जिसके वजह से ये एंटेरियर चेंबर जो है वो भर जाता है. पोस्टेरियर चेंबर जो आइरिस के पीछे है वो भी इसी से भरेगा. एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर का काम होता है शेप ऑफ आईबॉल और आई, ये दोनों को मेंटेन करना. बराबर, स्पेशली शेप ऑफ आई इसको मेंटेन करना, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना. किसे? न्यूट्रिएंट्स टू टू थिंग्स, वन इज लेंस एंड अदर इज कॉर्निया. बराबर, ये ड्रेन ऑफ होते रहता है, फिर से आता है, ड्रेन ऑफ होते रहता है, फिर से आता है, कैनल ऑफ स्लिप के थ्रू ये होगा. बट विट्रियस ह्यूमर जो है, दैट विट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट इन द इनर चेंबर कैनॉट बी रिप्लेस्ड अंडर एनी कंडीशन. ये कैसा है? ये सेमी सॉलिड जेली लाइक है. सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस है, ये बात याद रहे. और वो आईबॉल का शेप मेंटेन करेगा, मेंटेन्स शेप ऑफ आईबॉल. बराबर, एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड अंडर एनी कंडीशंस. अलोंग विद दिस स्ट्रक्चर्स देयर आर सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स इन द आई. बराबर, जैसे आईब्रोज है. बराबर, दो आर्ज्ड एमिनेंस ऑफ स्किन सराउंडिंग, बराबर, और माउंटिंग बोल सकते हो आप, हमारे आंखों को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है. न्यूमरस हेयर होते हैं उसके ऊपर. बराबर, वो स्वेट डस्ट फॉरेन बॉडीज इनसे प्रोटेक्ट करेगी आईज को. आई लीड्स होती है, मूवेबल फोल्ड से सिचुएटेड अबो एंड बिलो. बराबर, तो यहाँ एक चीज और होती है कि थर्ड आई लीड भी हम लोगों को मिलता है, और वो वेस्टिजियल है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको बोला गया है प्लाइका सेमिलिनरिस. ये है प्लाइका सेमिलिनरिस. बराबर, इनर सरफेस जो है आई लीड का और आईबॉल का, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर हुए, जिन्हें हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो कंजक्टिवा है. बराबर, ग्लैंड्स ऑफ जिस, मीबोमियन ग्लैंड्स और टार्सल ग्लैंड एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल, ये तीन चीजें मिलेगी. सबसे पहला ग्लैंड्स ऑफ जिस. बराबर, आईलैशेस के फॉलिकल्स के साथ ये जुड़ी हुई है, एंड दे ओपन इंटू द फॉलिकल ऑफ आईलैश. ओपन इंटू फॉलिकल ऑफ आईलैश. बराबर, दूसरी जो ग्लैंड है उसे हम लोग बोल रहे मीबोमियन और टार्सल ग्लैंड. बराबर, ये मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड है. दिस इज मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड. बराबर, क्या काम करेगी सिबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड, यानी इसका काम हो गया ल्यूब्रिकेशन का. बराबर, कॉर्नियल सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट. ल्यूब्रिकेशन ऑफ व्हाट? तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ कॉर्नियल सरफेस करेगी. ग्लैंड्स ऑफ मोल ये भी होती है.
आईलीड के एज पे होती है, आईलीड के जो एजेस है ना ये वाले, यहां होती है ग्लैंड ऑफ मोल। इनको छोड़कर कुछ और मिलता है क्या? तो लैक्रिमल एपरेटस मिलता है। लैक्रिमल एपरेटस में क्या है? लैक्रिमल एपरेटस शोज प्रेजेंस ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड विच ओपन थ्रू लैक्रिमल डक्ट्स। बराबर, न्यूमरस डक्ट्स होते हैं, सुपीरियर कैनोलिकुलस, इंफीरियर कैनोलिकुलस, नेजो लैक्रिमल डक्ट, और यहां है लैक्रिमल सैक। बराबर, लैक्रिमल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है टीयर्स सिक्रीशन। बराबर, और इन टीयर्स में क्या होता है? टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है? इट डिस्ट्रॉयज माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन टू आई। बराबर, अलोंग विद दिस वी ऑल्सो गेट एडिपोज टिश्यू। बराबर, आईबॉल के सराउंडिंग में, सराउंडिंग द आईबॉल। शॉक प्रूफ पैड करके काम करता है। जब मैं मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करूंगा तो आईज के विजन के मैकेनिज्म में हम लोगों को क्या मिलता है, हाउ इमेज इज जनरेटेड। बराबर, द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कंजक्टिवा। बराबर, डायग्राम पे आते हैं। द लाइट रेज पास थ्रू द कंजक्टिवा, यहां से लाइट रेज अंदर आएंगे कॉर्निया थ्रू द प्यूपिल, और फिर वो जाएंगे कहां पे? प्यूपिल से अपॉन द लेंस एंड दे आर फोकस्ड ऑन दिस रेटिना। बराबर, टू फॉर्म द इमेज। विजुअल एरिया जो सेरिब्रम का है वहां तक नर्व इंपल्स जाएगा और वो लेके जाएगा ऑप्टिक नर्व, और फिर इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अगले वीडियो में मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के साथ। थैंक यू।